हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 3.19 मतलब थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। और इसमें आप देख रहे हो, क्वेश्चन में पूछा गया है सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। अब आपको यहाँ पे बताना होगा ग्राफ के अकॉर्डिंग कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल लेके जो कि इस पे सूट करता हो। जैसे पहला हमारे पास तीन ग्राफ दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हो, तो तीन तीनों ग्राफ में से मुझे ये दिखाना है कि कौन सा इसके लिए सुटेबल करता है। ए वाले में कौन सा एक एग्जाम्पल, कोई भी आपको एक एग्जाम्पल देके बताना होगा। बी में कौन सा एग्जाम्पल सूट करता है, कोई भी एक एग्जाम्पल आप देके बता सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए मैं बताऊं यहाँ पे कि मान लो ये जो आप देख रहे हो यहाँ से, इसका मैं पहले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मैं इसके पॉइंट को मान लो पी कंसिडर कर लेता हूँ, ये पॉइंट हमारा P है, दूसरा पॉइंट हमारा Q है, ठीक है। तो P से Q तक जो है आप देख रहे हो, ये क्या किसका ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप कह सकते हो। तो P से Q तक में जो भी चीज रखी हुई है, जहां पे भी है, उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। तो मैं मान लेता हूं कि मान लो एक फुटबॉल है, यहाँ पे एक फुटबॉल है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फुटबॉल कंसिडर कर लेता हूँ और यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है। अभी फुटबॉल रेस्ट में है, ठीक है, फुटबॉल तो रेस्ट में है, लेकिन टाइम रेस्ट में थोड़ी है, टाइम तो पास हो रहा है। तो पी से क्यू तक आपका टाइम चेंज नहीं हुआ है, टाइम चेंज हो रहा है, सॉरी, पी से क्यू तक टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन बॉल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बॉल किस में है, बॉल रेस्ट में है। तो यहां पे आप कह सकते हो ये जो फुटबॉल मैंने लिया है, ये फुटबॉल पी से क्यू तक रेस्ट में है, क्योंकि इसने ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारा ऊपर जो पोजीशन का ग्राफ किधर है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा बॉल जो है ऊपर की तरफ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आप कह सकते हो कि इसका मतलब ये रेस्ट में है, इसने पोजीशन चेंज नहीं किया है। टाइम में इसमें चेंजेस जरूर आए हैं, लेकिन इसके पोजीशन में चेंजेस, किसी भी तरह की पोजीशन में चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ पोजीशन में चेंजेस नहीं है, मैंने हटा दिया ऊपर की चीजों को, पोजिशन मतलब पी से क्यू तक बॉडी जो है, जो भी फुटबॉल लिया है मैंने, बॉल लिया है मैंने, ये कुछ भी, वो रेस्ट में है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लो कि इसको मैंने किक किया, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मैंने इसको किक किया, अपने पैर से इसको किक किया और किक करके इसको हिट किया। अब जैसे ही ये किक किया आपने, तो क्या होगा, फुटबॉल की स्पीड बढ़ जाएगी, पोजिशन चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्यू से ये जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, क्यू से आर तक का ले रहा हूं, यहाँ पे जो पोजीशन है ना, क्यू से आर, जी हाँ, तो ये क्यू से आर तक की पोजीशन को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। और क्यू से आर तक में इसकी स्पीड जो है, जो किक करने पे वॉल की तरफ जब बॉल जा रही है, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस के साथ साथ टाइम तो बढ़ ही रहा है, तो यहाँ पे टाइम, लेकिन आप देखो डिस्टेंस ये कुछ कवर कर रहा है, क्यू से आर तक ये कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, और यहाँ पे टाइम तो आगे मूव करना ही है, टाइम तो रुकेगा ही नहीं। उसके बाद इस वॉल से स्ट्राइक करने के बाद, ये जो फुटबॉल है, ये फुटबॉल इस वॉल से स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होगा, मतलब रिबाउंड होगा। तो रिबाउंड हुआ है, और रिबाउंड होने के केस में यहां से आपका जो है आर से एस तक की जो पोजिशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रिबाउंड होने की पोजिशन है, ठीक है। R से S मतलब अब इसकी जो है पोजीशन, मतलब वो बैक हुआ अपनी पोजीशन में, मतलब जिधर आपने ये जैसे स्ट्राइक किया उस समय इस डायरेक्शन में गया था, उसके बाद जो डिस्टेंस इसने कवर किया ना यहां से यहां तक, वो डिस्टेंस वापस ये इधर की तरफ कम होता चला गया। तो बॉल जो है धीरे धीरे पहले यहाँ आया, रिबाउंड हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे आया, तो उस हिसाब से इसकी जो डिस्टेंस है वो कम होती चली गई, उसके बाद फिर ये बॉल फाइनली यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से बॉल की डिस्टेंस कम होती चलेगी, और एक बार फिर से वो फाइनल बॉल कहां पे आ गया, आप जहां पे थे, जहां से आपने हिट किया था बॉल को, वो पॉइंट पे आ गया, मतलब एस पोजीशन पे जहां से हिट किया गया था, वहीं पे बॉल फिर से वापस आ चुका है। और ठीक एस के बाद अगर आप देखते हो, तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे और भी कुछ कंसिडर कर लूं, मान लो पॉइंट मैंने पॉइंट टी मान लिया, तो इसका मतलब है कि ये बॉल जो है आपके पीछे चल पड़ा, मतलब आपने बॉल जो रिबाउंड हुआ है, रिबाउंड होने के बाद ये आपसे भी पीछे चला गया, मतलब जहां से आपने किक किया था बॉल को उससे भी पीछे चला गया ये बॉल, अपनी पोजीशन को बॉल ने चेंज कर लिया, ठीक है। तो बॉल की पोजीशन तो चेंज हो गई,
तो बॉल की पोजीशन चेंज हो गई, तो इसका मतलब देखो पोजीशन जो है अब वो नीचे चला गया, और नीचे चला गया मतलब निगेटिव में चला गया, ठीक है। पोजीशन इसकी क्या हो गई, नीचे चली गई, और उसके बाद फिर यहाँ पे आगे ये रेस्ट में आ गया। तो ये देखो आप, ये रेस्ट में आता हुआ दिख रहा है कि इसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, यहाँ पे आके या जाके रेस्ट में आ गया। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहीं आप दूसरे ग्राफ को देख सकते हैं, ये ग्राफ जो बी ग्राफ है हमारे पास, इसमें पता लगता है कि ये आप देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ग्राफ हमें रिप्रेजेंट किया गया है, ये ग्राफ बताता है कि किसी भी बॉल को आप, कोई बॉल है, उस बॉल को आप क्या करते हो, ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये बॉल आपके हाथ में दे दिया और इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए, बात समझना आप। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि ठीक है इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। उसके बाद बॉल जब एक वेलोसिटी जीरो होती है मैक्सिमम हाइट के बाद, उसके बाद जब वो जैसे ही सरफेस को स्ट्राइक करता है तो कुछ समय के लिए वो बॉल टच में रहता है, सरफेस के टच में रहता है एक इंस्टेंट टाइम के लिए। वही इंस्टेंट टाइम की गैप यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है, और उसके बाद ऑब्वियसली बात है जब ये स्ट्राइक करेगा तो उसकी थोड़ी सी वेलोसिटी लूज होगी, फिर वो कुछ हाइट पे जाएगा लेकिन उतनी हाइट को वो गेन नहीं कर पाएगा, उसकी कुछ एनर्जी जो है लूज हो जाएगी। तो वहां पे दूसरा, इसलिए लाइन जो है आप देख रहे हो ग्राफ का, ये उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा छोटा होगा। उसी तरह से फिर जब ये वापस आएगा ऊपर से मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी से, फिर जब ये नीचे आएगा तो फिर से स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर से अपनी टाइम को थोड़ा सा लूज करेगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे ये लेगा, और वो टाइम यहाँ पे आप देखो टाइम जो स्पेंड हो रहा है स्ट्राइक करने के ड्यूरेशन में, सर फ्लोर को स्ट्राइक करने के ड्यूरेशन में, और ये उसके बाद फिर से कुछ हाइट पे जाएगा, लेकिन इस बार फिर से इसकी हाइट इसके रिस्पेक्ट में हर किसी बार इसकी हाइट जो है छोटी होती चली जाएगी, और इस तरह से ये ग्राफ को दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बॉन्स रिबॉन्स का एक ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बॉल के रिबॉन्स का है। बी ग्राफ का स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मैंने लिखा है वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ बॉल, बॉल के मोशन को बताता है जिसको आपने थ्रोन किया है, थ्रोन अप विथ सम स्पीड इनिशियल वेलोसिटी के साथ, इट हिट्स द ग्राउंड एंड गेट रिबॉन्डेड विथ रिड्यूस्ड स्पीड, क्योंकि बार बार इसकी स्पीड जो है रिड्यूस होती है, और फाइनली जो इसकी स्पीड होगी वहां पे वो जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से ये बी पार्ट हमारा क्लियर हो जाता है। अब इस थर्ड वाले ग्राफ को देखेंगे, और थर्ड वाले ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक्सलेशन और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, एक्सलेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो इस जगह पे आप देखोगे यहाँ इस पोजिशन से इस पोजिशन तक एक्सलेशन क्या है, जीरो है। अगर एक्सलेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म रही होगी, ठीक है। अगर एक्सलेशन जीरो है तो वेलोसिटी कैसी रही होगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो किसके कारण कि अचानक यहाँ पे एक्सलेशन बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल इस चीज का ले रहा हूँ कि मान लो कि रैंडम किसी ने, आपने बॉल यहाँ से आपने फेंका, किसी बॉलर ने बॉल को थ्रो किया और बैट्समैन ने बॉल को स्ट्राइक किया, तो बॉल को स्ट्राइक किया तो रैंडम उसकी एक्सलेशन क्या हुई, एक्सलेशन उसकी रैंडमली बढ़ गई। उसके बाद कुछ एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद फिर उसकी एक्सलेशन डिक्रीज होनी शुरू होगी और फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाके चलता चला जाएगा और लास्टली वो तो रुक जाएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे ये ग्राफ में मेंशन नहीं किया गया है। इसलिए ये बॉल का एग्जांपल है जिसके में यहाँ पे वेलोसिटी जो है, यहाँ पे वेलोसिटी इस जगह से इस जगह पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और उसके बाद रेंडमली इंक्रीज हुई है और जिसके कारण एक्सलरेट हुआ है रैंडमली, जब आप बैट्समैन ने बैट से इसको स्ट्राइक किया है तो वेलोसिटी रैंडमली इंक्रीज हुई है और उसके बाद एक सर्टेन हाइट के बाद वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और फिर यूनिफॉर्म हो जाती है वेलोसिटी। तो ये सी ग्राफ इसी का एक एग्जाम्पल है। सो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा और आप अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे एग्जाम में।